हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे परवल की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 10 से 12 परवल लिया है और परवल ये देखिए एकदम मोटा मोटा है। बिल्कुल इस तरीके का परवल हमें चाहिए। अब हम इसे चाकू से इस तरीके से इसका स्किन साफ कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये साफ हो जाता है और इसे हम इस तरीके से दोनों साइड से काट लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी परवल को साफ कर लेंगे। ये देखिए, अब सभी परवल तैयार है। अब हम इस परवल को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ज़्यादा नीचे तक नहीं करना है, बस ऊपर वाले इसका जो है इसे हम कट कर लेंगे। नीचे ज्वाइंट रहना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से। ये देखिए, और इसके अंदर में कटा नहीं है। परवल के अंदर वाले भाग को हम इस तरीके से चम्मच से निकाल लेंगे। हल्के हाथों से परवल को दबाएंगे, फिर हम बीज को निकाल लेंगे। ये देखिए, परवल टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए, सभी परवल के बीज को मैंने निकाल लिया है। अब हम इन दोनों चीजों को पानी से साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, परवल को मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया है और इसे इस तरीके से इसका पानी अच्छे से निकाल लेना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसे भी मैंने साफ कर लिया है पानी से। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें हम इस परवल के बीज को डाल देंगे। और इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा बारीक नहीं है, ये थोड़ा दरदरा है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। इसमें हम तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हम क्रैक होने देंगे और 2 तेज पत्ता भी हम डाल देंगे। जीरा अब क्रैक हो चुका है तो अब हम इसमें ये 3 बड़ा प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने इस तरीके से काट करके लिया है। मिक्स कर लेंगे इसे हम। प्याज को हम गोल्डन होने तक भूनेंगे। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते भी रहेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये परवल का जो बीज हमने पीस कर रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। मिला लेंगे इसे हम अच्छी तरह से। इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब 2 मिनट हो चुका है, फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर लेंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे।
एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, डेढ़ चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ये चना दाल डाल देंगे। चना दाल को मैंने 3 घंटा पहले पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और ये अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए, ये इजली टूट रहा है, फूला हुआ ये अच्छे से होना चाहिए। और चना दाल डालने से भरुआ परवल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसे ज़रूर डालें। 2 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और मसाला को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट तक। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे, हो तो जरूर डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए, मसालों से तेल अलग हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया है और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे बारीक कटी हुई, मिक्स कर लेंगे इसे। अब भरुआ परवल का मसाला तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तेज पत्ता को हम हटा देंगे। मसाला अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसे परवल में स्टफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे हम थोड़ा दबाएंगे, हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं दबाना है। और इसमें हम इस तरीके से चम्मच की मदद से इसमें स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हो उसे निकाल देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम सभी को स्टफ कर लेंगे। ये देखिए, सभी परवल को मैंने स्टफ कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इधर गैस पे मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए डाल दिया है। तेल अब गर्म हो चुका है तो फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इस तरीके से जिस तरफ से कट लगा हुआ है उसे हम नीचे की तरफ इसमें डालते जाएंगे। थोड़ी देर हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद जब ये एक तरफ से थोड़ा सिक जाए फिर हम इसे पलट देंगे और इसी तरह पलटते हुए हम इसे हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अच्छी तरह से इसे हम पकने देंगे। इसमें से हम एक परवल निकाल कर थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इस परवल को चेक कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये अभी थोड़ा और पकेगा, फिर से इसे हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर इसे हम और पकने देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे।
और इसी तरीके से हम सभी को फ्राई करके निकाल लेंगे। ये जो बचा हुआ तेल है इसमें हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, दो से तीन छोटी इलायची, इलायची को हम खोलकर डालेंगे, एक छोटा चम्मच जीरा, दो से तीन तेज पत्ता, इन सभी चीजों को हम थोड़ा भून लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे दो प्याज, प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये दो बड़ा प्याज है। मिला लेंगे इसे हम, फ्लेम को हम हाई रखेंगे और गोल्डन होने तक इसे हम भून लेंगे, प्याज को हम गोल्डन होने देंगे। ये देखिए प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, प्याज अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिला लेंगे इसे हम। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे, मसाले के हिसाब से ही हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि भरवा परवल में नमक है ही। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। कसूरी मेथी डाल देंगे, इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बड़ा टमाटर को हमने यहाँ पे पीस करके लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। आप टमाटर को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ढक देंगे इसे हम, ढककर इसे हम भूनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर तक हम इसे चलाते भी रहेंगे। ये देखिए मसालों से तेल अलग हो चुका है, 4 से 5 मिनट हो चुका है, मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे। एक ग्लास पानी हम इसमें और डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, मिला लेंगे एक बार इसे हम। अब हम इसे ढक देंगे, फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और ग्रेवी में हम उबाल आने देंगे। ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह उबलने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये भरवा परवल डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम बिना ढके 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी इस तरीके से परवल की सब्जी बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।